हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आसाम T20 प्रीमियर क्लब चैंपियनशिप के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा डिब्रूगढ़ सीसी वर्सेस टेंगापारा सीसी के बीच में। देखो भाई लोग, इस मैच पर भी हम लोग अच्छा ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाले हैं, तो आपको क्या करना, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना। और देखो भाई, एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दो। हम आपको इतना बेहतर टीम देते हैं और इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई लोग, एक लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप अच्छी सी वीडियो वॉच करके जाएंगे तो हम आपको यहाँ पर बताने मैच में आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी होंगे, किस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको टीम कैसे बनाना है। और साथ में ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी देते हैं जो पंटर खिलाड़ी आपको टॉप 10 में रैंक कराते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको सारा कुछ मिलता है भाई, और साथ में यहां पर हम आपको लॉजिकली टीम भी देते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कितने खिलाड़ी को कॉम्बिनेशन के तौर पर लेना है, पीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी जानकारी होती है सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। देखो भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं भाई लोग, सभी बंदे यहाँ से अच्छा प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम देते हैं हम जेन्युइन टीम, और साथ में ऐसा बेहतरीन टीम देते हैं जिससे कि आपका सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉस का नाम भी नहीं हो, ठीक है भाई लोग। तो टेलीग्राम पर आ जाओ भाई लोग, जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे अच्छा प्रॉफिट यहाँ से ही करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर आ जाइए। चलिए अब बात कर ले मैच के बारे में। तो आज का मैच कहाँ खेला जाएगा, क्या रहेगा, पिच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो जान लेंगे, उसके बाद जो अपना टीम बनाएंगे भाई लोग, तो फिर अपना टीम गजब का बनने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बात कर ले कि मैच कहाँ खेला जाएगा। तो आसाम का जितने भी मैच है भाई लोग, वो कहाँ खेला जा रहा है वो देख लो, वो आप देखेंगे तो एक ही जगह मैच खेला जा रहा है, और वहाँ का पिच रिलेटेड पिच जो है वो भी एक ही तरह का पिच है, जो कि आप यहाँ पर देख लेंगे। मैच खेला जाएगा, ये मैच जो खेला जाएगा वो आप देख लेंगे, गुवाहाटी में ही मैच खेला जा रहा है, सभी मैच गुवाहाटी में ही खेला जा रहा है आसाम का, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, तो बॉलिंग फेवर में जाएगा और गुड फॉर स्पिनर के लिए काम करने वाला है। अब देखो, बात कर ले कि आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से खिलाड़ी होंगे जिसे अपने टीम में आज के मैच में आप कैप्टन सजेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप बीसी किसे किस खिलाड़ी को कर सकते हैं और किसे अपने टीम में जगह दे सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है भाई लोग। तो देखो, यहां पर टोटल मैंने आपको 4 खिलाड़ी दिया है, 4 खिलाड़ी को आप अपने टीम में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहां पर चाहे तो आप कुछ खिलाड़ी को ड्रॉप करके दूसरे टीम से भी लेकर चल सकते हैं, वो कौन से खिलाड़ी होंगे वो भी हम आपको बता दें। तो देखो भाई, टोटल यहां पर हमने आपको 4 खिलाड़ी दिया है, और 4 में से आपको इस्तेमाल करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, जिसमें से आप टीम 1 में ए मुजम्मदर को और यहां पर दूसरा ए वासिम, इसे अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। ये खिलाड़ी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट सजेस्ट होने वाले हैं, इसे अपने टीम में आज के टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन इस्तेमाल कीजिएगा। आपको दूसरे टीम में क्या करना है, जी डेका और एन सिंगानिया को, इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यूज कीजिएगा। ये दोनों खिलाड़ी जो है आपके लिए अच्छे प्रॉफिट करके देने वाले हैं, और भाई आप डाटा जाकर के चेक कर लो, जितना भी डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों खिलाड़ी, चारों खिलाड़ी जो है वो ताबड़तोड़ आपको हर मैच में अच्छा प्रॉफिट कराते हुए आ रहे हैं, और ये कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदारी हैं, ठीक है भाई लोग। तो इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात कर ले कि आज के मैच में आपको ऐसे 5 खिलाड़ी जो लॉजिकली पंटर खिलाड़ी होते हैं वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिसे अपनी टीम में लेकर के चल सकते हैं। देखो भाई, सभी लोग जाएंगे हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है। हम जो आपको लोएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी बताएंगे जो एज अ पंटर आपके लिए साबित होने वाले हैं, उस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम जो है वो बनेगा बिल्कुल पंटर वाला, और पंटर जो रहेगा वो आपको अच्छा प्रॉफिट यहां से करा करके देने वाला है। तो ऐसे खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और उस खिलाड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो आपका टीम बहुत ही गजब बनने वाला है। तो देखो भाई, यहां टोटल हमने आपको 5 पंटर दिया है, 5 पंटर दिया है। अब इसमें से आप देखेंगे जिसमें से आर सैन, और यहाँ पर बैटर में देखेंगे तो 4 बैटर है, जिसमें से ए अहमद और आर खान और ए बोरा, और यहाँ पर देखेंगे एस विश्वास। ये हमने आपको जो 5 पंटर दिया है, ये पंटर खिलाड़ी को कैसे यूज़ करना है वो देख लो। अब देखो भाई, पंटर जो खिलाड़ी होते हैं ना वो आपके टीम को अच्छा प्रॉफिट करके देते हैं। सभी लोग हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोएस्ट सिलेक्शन खिलाड़ी को लेकर चलना है जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होगा लेकर के चलने के लिए, ठीक है भाई। तो देखो, यहाँ पर जो हम आपने दिया है 5 पंटर, अब इसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लो, आर सैन को अपने टीम में एक टीम 1 में लेकर के चलना है, और टीम 1 में भी ए अहमद को और आर खान को, ये 3 खिलाड़ी को आपको कॉम्बिनेशन बनाना है टीम 1 में, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको टीम 2 में, तो आप यहां पर जाएंगे ए बोरा को और एस विश्वास को, इसको अपने टीम में ले लीजिएगा इस खिलाड़ी को। ये खिलाड़ी हो जाएंगे आपके लिए
दूसरे टीम में एज अ पंटर के तौर पर, ठीक है भाई लोग, तो पंटर तब ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात कर लें कि अब आपको टीम कैसे बनाना है और कैसे अपनी टीम में किस खिलाड़ी को लेकर चलना है, किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, वो हम यहाँ पर बात कर लें। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे हमने 6-5 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है इस टीम में, और यहाँ पर हमने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर इस्तेमाल किया है, जिसमें आर्सेन ए मुजम्मदर, और बैटर में हमने यहाँ पर 3 बैटर इस्तेमाल किया है, आर खान, और यहाँ पर देखेंगे जे बोरा ए वसीम उल्ला मेरे टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर 3 ऑलराउंडर इस्तेमाल किया है, आर दास एंडेका और जी डेका, ठीक है। बॉलर में हमने यहाँ पर 3 बॉलर इस्तेमाल किया है, एस लचित और एस धार, और यहाँ पर आर दीपक, ठीक है भाई लोग, ये मेरे टीम में होने वाले हैं। यहाँ देखो भाई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।